वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनालीस क्रेजी गेमिंग। आज हम आए हैं इस इंदौर शहर की सिटी में, जहाँ ये 56 बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। और इस शहर में और इस सिटी में आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं, और यहाँ क्रिसमस का माहौल बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी शॉप्स है। ये 56 अभी रिनोवेट हुआ है और इसकी लाइटिंग और इसकी आज हम यहीं की सैर करने वाले हैं। तो चलिए आइए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की बहुत पुरानी शॉप जो यहाँ की है, और कुछ और भी बातें करते हैं। चलिए आइए। ये है 56 की बहुत बढ़िया बहुत पुरानी शॉप, जॉनी हॉट डॉग करके, और यहाँ का हॉट डॉग भी हमने बहुत खाया है। ये बहुत सालों पुरानी शॉप है। एक बात आपको और बता दूँ कि इस जगह का नाम 56 क्यों पड़ा। 56 वो दुकान का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ 56 दुकानें ही थी, और उसके बाद आज यहाँ पे न जाने सैकड़ों दुकानें हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम 56 पड़ा है। आइए देखिए, यहाँ पर एक और मशहूर शॉप है, विजय चाट हाउस की शॉप, वहाँ मैं आपको लेके चलती हूँ। आइए, ये है यहाँ की इंदौर की बहुत ही मशहूर शॉप, विजय चाट हाउस की शॉप, जहाँ का खोपरा पेटीज बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा यम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है पेटीज, आइए देखते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है विजय चाट हाउस में खोपरा पेटीज खाने वालों की। एंड डोंट वरी, खोपरा पेटीज मैंने आप लोगों के लिए पहले ही शूट करके रखा है, उसकी रेसिपी आपको जल्द ही मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ का ये खोपरा पेटी से जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा बिकता है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आपको फिर बता रही हूँ। मैंने पहले शूट करके रखी है, आपको जल्द ही इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूंगी। ये देखिए यहाँ की ये इंदौर की फेमस पेटीज मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया बहुत यमी होती है। इसके अंदर पूरा खोपरा डला है, एंड दिस इज रियली यमी। ऐसे ठंड के मौसम में अगर ये गरम गरम चाट मिल जाए तो फिर क्या बात है। दिस इज अमेजिंग, बहुत यमी है, बहुत यमी। चलिए आइए कुछ दूसरी चीजें शूट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 56। देखिए बहुत ही बढ़िया माहौल है, और यहाँ पर देखिए दुकानों पे सब पे नंबरिंग कर रखी है। ये सब कुछ अभी रिनोवेट हुआ है, सब कुछ अभी नंबरिंग हुई है। यहाँ की हम नंबरिंग देखते हैं, और आइए देखते हैं कितना सुंदर माहौल है, कितना सुंदर सजा रखा है आज इस 56 को और इस इंदौर की सिटी को। क्रिसमस यहाँ सब लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए इंदौर की ये बहुत फेमस अग्रवाल स्वीट और मधुरम स्वीट यहाँ पर है। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ वैरायटीज मिलेगी। आजकल सोया चाप बहुत ज्यादा फेमस है। ये देखिए यहाँ पर इतना यमी सा सोया चाप और पनीर टिक्का सब कुछ मिल रहा है, जो बहुत यमी दिख रहा है। खाने का टाइम हम बाद में खाएंगे, अभी मैं आपको घुमाती हूँ। पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड में शॉप हुआ करती थी 56 की, आजकल दोनों साइड में शॉप से, इस साइड भी देखेंगे तो शॉप से, इस साइड भी देखेंगे तो शॉप है, पूरा फूड मार्केट है, पूरा फूड मार्केट है। और यहाँ पे सिर्फ आपको चारों तरफ खाने ही खाने की दुकानें मिलेंगी, तो आइए और एक्सप्लोर करते हैं 56 को। ये गरमा गरम मिलेगा आइए यहाँ के कुछ यंगस्टर से बात करते हैं जो यहाँ पे आज क्रिसमस एंजॉय करने आए हैं। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? यही इंदौर के हैं। क्या सेलिब्रेट आज क्या आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं इसलिए यहाँ पर आए हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं सब जने। यहाँ पे आप कितनी बार आते हैं 56 पे, आप कितना एंजॉय करते हैं 56 को, ये बताइए मुझे। अच्छा, इनका यहीं पर ऑफिस है इसलिए ये खाते हुए जाते हैं रोज ही शायद? नहीं, रोज तो नहीं, रोज ही खाते हैं। जब इच्छा होती है, जब इच्छा होती तब। आप बताइए। यस मैम, इंदौर इज फूड कैपिटल एंड 56 इज हार्ट ऑफ इंडिया, सो वी यूजुअली कम टू दिस प्लेस एंड विजिट अगेन एंड अगेन।
बहुत ही हैपनिंग प्लेस है इंदौर की, इसलिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पूरा फूड मार्केट है, इसलिए सब लोग फूड इंजॉय करने हैं। यहाँ का फूड कैसा है? It was amazing, ma'am. Delicious. फूड कैसा है मैम यहाँ का? बहुत सही है और काफी हाइजीनिक तरीके से भी खाया जाता है यहाँ पर मैम, और इट इज वेरी टेस्टी। बहुत ही हाइजीनिक है, रीजनेबल है और बहुत यमी फूड है यहाँ का, इसलिए लोग आए हैं आज यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और आप लोगों से जानना है। मुझे ये बताना है कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस जगह का नाम छप्पन क्यों पड़ा, क्या आप जानते हैं कि छप्पन क्यों पड़ा यहाँ का नाम? मतलब कि यहाँ पे लोग आते हैं तो ये जानते भी हैं कि यहाँ क्यों, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है। इस जगह पे छप्पन दुकान इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ओरिजिनली सिर्फ छप्पन की ही दुकानें थी। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। चलो यंगस्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू, आइए कुछ यंगस्टर्स से यहाँ के और बात करते हैं। हम ये भी यहाँ पर क्रिसमस इंजॉय करने आए हैं, पूछते हैं कि इन्हें कौन सा फूड, आप बताइए आपको यहाँ का सबसे ज्यादा अच्छा फूड कौन सा लगता है छप्पन का? आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो ये यहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम खाने आते हैं छप्पन की, राइट? आइसक्रीम खाने आते हैं। ओके, आपको कौन सा फूड पसंद है मैम छप्पन से ज्यादा? मोमोज, तो यहाँ पर मोमोज खाने आए हैं यहाँ पर। कहाँ के मोमोज खाते हैं मैम, कौन सी शॉप की? उस साइड वाली पे पता नहीं कौन सी शॉप है, लेकिन हाँ यहाँ के मोमोज भी बहुत पसंद है, मतलब यंगस्टर्स के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस छप्पन दुकान को। Go. ये है यहाँ का यंग तरंग रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन ये फेमस है सुबह के नाश्ते के लिए, पोहा जलेबी कचौरी समोसा यहाँ पर वो नाश्ता ज्यादा मिलता है। बाकी अंदर की साइड यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस शॉप है नाश्ते के लिए। चलिए आइए और एक्सप्लोर करते हैं। Go. ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा डेकोरेशन कर रखा है, पीछे की साइड भी बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, बाकी सारे ग्रुप एज के भी लोग यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर ये लोग सब एंजॉय करने आए हैं, सब क्रिसमस सेलिब्रेट करने हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे सेलिब्रेट करना है, आप यहाँ पर क्या सेलिब्रेट करना है, आज क्यों आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? ये बड़ौदा से आए हैं यहाँ पर इंदौर का छप्पन मार्केट घूमने, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम आप भी बड़ौदा से हैं और आप लोग कहाँ से हैं? अहमदाबाद, गुजरात, वहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन ये गुजरात से यहाँ पर इंदौर का मार्केट और इंदौर का शहर देखने आए हैं, इंदौर का छप्पन मार्केट देखने आए हैं। तो यहाँ पर सारे ही सिटी से लोग आते हैं छप्पन घूमने आते हैं, क्योंकि छप्पन इंदौर की बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। और यहाँ की एक जगह और बताती हूँ आपको, छप्पन की जगह है सांची पॉइंट, जो यहाँ का बहुत ही पुराना कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर कॉफ़ीज बहुत अच्छी मिलती है, मैं भी यहाँ पर बहुत टाइम से आ रही हूँ और यहाँ पर हम कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ हम भी दिल्ली से आए हैं। ये भी दिल्ली से आए हैं, देखिए मेरे पास में, और ये दिल्ली से छप्पन यहाँ पर इंदौर में छप्पन इंजॉय करने आए हैं, राइट? यस। आप क्रिसमस किस लिए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? यस, क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। क्या खाया आपने यहाँ पर आज? हमने पोटैटो ट्विस्टर खाया। पोटैटो ट्विस्टर खाया जो इंदौर में भी बहुत ज्यादा चल रहा है और यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा फेमस है। और क्या खाया बेटा आपने यहाँ? अभी हमने चाप भी खाई है, सोया चाप। वेरी गुड, वेरी गुड। वहाँ से और आप कब जाने वाले हैं वापस? 28 को वापस जाएंगे, तब तक ये सराफा, यहाँ का सराफा भी देखा है आपने? यस, सराफा मार्केट भी घूमा है और छप्पन भी घूमा है, और ये यहाँ पर आज ये भी सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना है क्रिसमस को। चलिए आइए कुत्ते हैं हम अपना छप्पन का मार्केट। ये देखिए यहाँ के छप्पन की रौनक, और कुछ और बच्चे मेरे पास आए हैं। ये कहाँ से आए, मैं इनसे पूछती हूँ, बेटा किसके साथ आए हो? पापा मम्मी के साथ आए। बेटा किसके साथ आए? नाना नानी के साथ आए हैं, ये उनके नाना नानी है, और ये भी छप्पन इंजॉय करने आए हैं, क्रिसमस को एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर। हाँ, ये लोग भी क्रिसमस यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ये है पूरा छप्पन, जहाँ पे यंगस्टर्स बच्चे और ओल्ड एज भी आपको सब लोग मिलेंगे और सब लोग एंजॉय करने आएंगे। तो ये देखिए पूरी रोशनी, और अब हम इंदौर की फिर किसी दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर किसी दूसरी जगह को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय।